इवनिंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को मेरे रसोई में लेके चलती हूँ। और आज मेरे रसोई में बन रहा है अचारी आलू दम। तो उम्मीद करती हूँ आज का रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगा। ये रेसिपी बनने में मुझे करीब 40 मिनट टाइम लगा है। तो चलिए मैं आज का रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं एक मसाला तैयार करूँगी। तो मैं एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, देखिए उसमें मैं जो पचफोरन में जो मसाला आता है, सौंफ है, मेथी है, सरसों है, ये सबको मैं रोस्ट कर रही हूँ। धनिया है, सूखा मिर्च है, इन सबको मैं रोस्ट कर रही हूँ। सरसों भी है इसमें। इसको मैं अच्छा सा एरोमा आने तक रोस्ट करूँगी। और रोस्ट करने के बाद मैं इसको रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी और उसके बाद मैं इसको दरदरा पीस लूंगी। बहुत महीन नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है इसको। बस एक बार मिक्सर में चला के बंद कर दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ फिर से और मैं इसमें ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो ये रेसिपी मेरा पूरा बनेगा मस्टर्ड ऑयल में ही। ये रेसिपी अच्छा लगता है सरसों के तेल में। तो सबसे पहले मैं इसमें जीरा दे रही हूँ तड़के में, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। एक पिंच हींग दी हूँ मैं इसमें। इसको थोड़ा फ्राई होने दूंगी और मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, और मैं कश्मीरी रेड चिली ली हूँ, उसको मैं डाल देती हूँ तेल में। इन सबको मैं हल्का सा फ्राई करके, जो बॉयल करके आलू रखी थी मैं, तो उसको मैं डाल देती हूँ। अगर आपके घर में बेबी पोटैटो है तो आप उससे बना सकते हैं। मेरे पास आज नहीं था तो मैं बड़ा वाला आलू से ही बना रही हूँ। इसको मैं बनाते बनाते छोटा छोटा पीस कर लूँगी। तो इसको बहुत अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। तो चलाते चलाते अगर मुझे लगे कि बड़ा आलू है तो मैं उसको आधा आधा कर लेती हूँ। इसको खूब अच्छे से रेड कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए इसमें से कितना सुंदर कलर आया है। रेसिपी में ज्यादा बड़ा आलू अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा छोटा पीस आलू ही अच्छा लगता है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ग्रेट करके रखी हूँ अदरक एक चम्मच, मैं उसको डाल देती हूँ इसमें। इसको हल्का मैं फ्राई होने दूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा अचार का तेल डाल दूंगी। आपके घर में अगर अचार का तेल हो तो उसको डाल दीजिए, इसमें बहुत अच्छा सुगंध आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ, इससे मीठा और नमक का बैलेंस रहता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए इस तरह फ्राई हो जाएगा मेरा आलू। तो मैं इसमें 2 चम्मच तेल दूंगी, मेरा मसाला जलना नहीं चाहिए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो मैं तैयार की थी मसाला रोस्ट करके, उसको मैं डाल देती हूँ इसमें। और मैं 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देती हूँ और ऊपर से मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। इन सबको लेके मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। आँच एकदम हल्का रखिएगा और इसको कांस्टेंट चलाते रहिएगा।
इसमें मैं थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। पानी देके मैं ढक के इसको 5 मिनट सिम आँच करके पकने दूंगी, ताकि मसाला मेरे आलू के अंदर अच्छे से कोट हो जाए। तो देखिए मेरा अचारी आलू दम बनके तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि में बहुत लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको हरे धनिए से गार्निश कर दी हूँ। मेरा अचारी आलू दम बनके तैयार है। धन्यवाद मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।